हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी एंड सीआईटी से रिलेटेड चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको जो नॉलेज देने वाला हूँ ये कटिंग राड के बारे में नॉलेज देने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। तो आप जानना चाहते हैं वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं इसके जो एलॉय रॉड्स बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों, एलॉय रॉड्स बोलते हैं इसे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एलॉय रॉड्स 109। जब भी आप कहीं ख़रीदने जाएँ तो आप ये बोलेंगे तो आपको ये राड मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसके करैक्टर के बारे में जानेंगे क्या इसका करैक्टर है, ठीक है। तो थोड़ा मैं आपको पास ले जाता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों इसके करैक्टर हैं, ये मतलब क्या क्या इसमें यूज़ होती है। स्पेशली इलेक्ट्रोड विद ए कोटिंग विद गिवन ए स्टेबल आर्क ड्यूरिंग द कटिंग फ्रीजिंग प्रोसेस। द दोस्तों जब भी हम इस पर कटिंग वगैरह करते हैं, ये मोस्टली जो कोटिंग इसकी हुई है रेड कलर की कोटिंग, ये दोस्तों इसके लिए कटिंग के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इसकी जो कटिंग आती है क्लीन और नैरो आती है, बहुत ही बढ़िया इसकी कटिंग आती है, ठीक है। और दोस्तों ऑल पोजीशन में इसमें हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, ठीक दोस्तों। और इसमें स्लैग वगैरह कुछ नहीं होता, तो इस ये जानकारी आपको देनी जरूरी थी। और दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो है कटिंग एंड ब्रूसिंग ऑफ स्टील, ये दोस्तों स्टील कास्ट आयरन कॉपर मटेरियल एल्यूमिनियम, और दोस्तों एक्सलेंट बर्निंग करता है ये रिवेट वगैरह के लिए, ठीक है। रिवेट एंड नट बोल्ट को अच्छे से जलाता है। और दोस्तों इसमें जो कटिंग ऑक्सी स्क्रीन से जो कटिंग होती है, इसमें कोई भी हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सी स्क्रीन जो कंप्रेसर एयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई एयर इसमें यूज़ नहीं करते हम, ठीक है। और दोस्तों ये गैस कटिंग नहीं है, ये राड के द्वारा ही कटिंग होती है, और इसमें कोई भी एयर की हमें आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। और इसके द्वारा सिर्फ हम होल्डर में लगाते हैं और जो प्लेट वगैरह को हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसका साइज़ अगर आप लेने जाएं मार्केट में, दोस्तों इस साइज़ में आपको ये अवेलेबल होगा दोस्तों। एसी डीसी वेल्डिंग करंट सेटिंग इसकी इस तरह है, जैसे दोस्तों आप ये जो राड है फोर की राड है, उसको फोर की राड बोलते हैं, फोर मल्टीप्लाई 350 लिखा है यहाँ पर दोस्तों। ये जो 250 अगर हो तो आपको जो करंट रेंज देनी है 100 से 170 रेंज देनी है, और 315 की हो तो 150 से 250 रेंज देनी है आपको, और 400 की है तो 200 से 300 रेंज पे ये करंट चाहिए इस राड को जलाने के लिए। और पाँच जो साइज़ है दोस्तों, तो 250 से 400 इसमें करंट रेंज चाहिए होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं ये बैच नंबर वगैरह है, ये साइज़ है हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका साइज़ जो है फोर का है ये, ठीक है, जिसको फोर का इलेक्ट्रोड बोलते हैं कटिंग रोड, ठीक है, जिसको एलॉय 109 बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एलॉय 109 एलॉय 109, ठीक है, ये दोनों सेम है, ये वाला और इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों ये 5 किलो का आता है ये, बस दोस्तों इसमें यही इन्फॉर्मेशन थी। और दोस्तों जो वार्निंग है इसमें, वार्निंग एक बार देख लेते हैं क्या क्या इसमें वार्निंग है दोस्तों। सेल्फ प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को बचाना भी है इससे दोस्तों। जिसके फ्यूम और गैसेस निकलती हैं बहुत ही डेंजरस होती है हेल्थ के लिए, और इसकी जो आर्क रेज है ये आँखों के लिए हानिकारक है, और स्किन कोई बर्न कर सकती है, तो आप जो ग्लव्स वगैरह पहन कर ही इसका यूज़ करें, और आँखों पर हेलमेट वगैरह का यूज़ करें, ठीक दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो कैसी लगी जानकारी आपको, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपको ये फ्यूचर में लेकर आता रहूं, ठीक दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।